Assalamualaikum viewers, you are watching our channel The Educational Hub. आप हमारा चैनल The Educational Hub देख रहे हैं। बच्चों आज हम एक और बहुत मजेदार वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली सीखने वाले हैं एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स कि हम बाइनरी नंबर्स को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट आर बाइनरी नंबर्स, कि बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली बाय इज अ साइंटिफिक वर्ड व्हिच मींस टू। बाय जो है एक साइंटिफिक वर्ड है जिसके मायने है टू। तो बेसिकली बाइनरी नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो डिजिट्स होते हैं। वो दो डिजिट्स कौन कौन से होते हैं? तो हमारे पास वो दो डिजिट्स में से एक डिजिट है जीरो और एक डिजिट हमारे पास है वन। तो ये हमारे पास कहलाता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बच्चों ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था बाइनरी नंबर्स के हवाले से। अब हम बात करेंगे कि हम बाइनरी नंबर्स को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली लेकिन इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम इजीएस्ट जो है क्वेश्चन से द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो वीडियो के जिस पॉइंट में आपको लगे कि आप एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर सीख चुके हैं आप वीडियो को वहां पर स्किप कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपको कॉन्सेप्ट इससे क्लियर नहीं होता कि हमने बाइनरी नंबर्स को कैसे ऐड करना है तो आप इस वीडियो को देखते रहना। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर दो क्वेश्चन मौजूद है। पहला हमारे पास क्वेश्चन है 110 बेस 2 प्लस 11 बेस 2। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाइनरी सिस्टम के अंदर हमारे पास सिर्फ दो डिजिट होते हैं 1 एंड 0। तो आपके पास सवाल के अंदर 1 और 0 के अलावा आपके पास कोई भी डिजिट नजर नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 110 बेस 2। इसको हमने ऐड करना है 1 के साथ। तो हम जानते हैं कि यूनिट और टेंथ का ख्याल रखते हैं। तो यूनिट के लिए यूनिट प्लेस करना है, टेंथ के नीचे टेंथ प्लेस करना है एंड वी हैव बेस 2। सो वी आर गोइंग टू ऐड देम, हम इनको ऐड करने वाले हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये कैसे ऐड होगा। जो इनकी एडिशन है वो एक सिंपल एडिशन है जैसे कि आप पिछली क्लासेस के अंदर सीखते आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 0 में 1 ऐड करूं तो ऑब्वियसली मेरा आंसर 1 होगा। अब यहां पर अगर मैं देखूं नेक्स्ट पार्ट के अंदर तो 1 के अंदर अगर मैं 1 ऐड करता हूं तो मेरे पास आंसर आएगा 2। लेकिन मैं क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम का काम कर रहा हूं तो मैं 1 और 0 के अलावा कोई डिजिट यूज नहीं कर सकता। तो अब मैंने 2 को कैसे लिखा? तो कुछ इसकी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, आप उनको याद कर लें और फिर इसका मैं तरीका भी आपको बताऊंगा कि आप इसको किस तरीके से खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर 2 बेसिकली बराबर होता है 10 के, 3 बराबर होता है 11 के, 4 बराबर होता है 100 के एंड 4 वुड बी इनफ फॉर एवरी स्टूडेंट। हमारे पास बाइनरी सिस्टम के अंदर जो है वो मैक्सिमम 4 डिजिट तक ही आंसर आता है, इससे ज्यादा हम जंप नहीं करते। तो हम अपने क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो 4 डिजिट तक करेंगे, ठीक है। तो हमने यहां पर देखा 1 एंड 1 हमने जब ऐड किया तो वी गेट 2। तो 2 बेसिकली बराबर किसके होता है 10 के। तो अब 10 के अंदर हम जानते हैं कि जब हमारे पास कोई दो डिजिट आते हैं तो पहला वाला कैरी चला जाता है। तो ये जो 1 है ये यहां कैरी आ गया और ये जो 0 था ये यहां पर आ गया, ठीक है। अब ये 10 कैसे आया? बहुत सारे बच्चों को ये सवाल होता है, सर हमें ये बताएं कि ये कोई रट एप्लीकेशन नहीं है, बेसिकली आप मैथ्स कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए इसका बैकग्राउंड के 2 10 के बराबर कैसे होता है। तो हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा कि हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 है, अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं बाइनरी के अंदर तो मैं हमेशा इसको 2 से इसको डिवाइड करूंगा। सो 2 वन जा 2, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो 0। तो इस तरीके से जो 2 है वो बराबर हुआ किसके 10 के। इसी तरह अगर मैं 3 की बात करूं तो अब 3 है, मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मैं इसे कहूंगा 2 वन जा 2। अब मेरे पास 1 जो है वो बच गया तो 3 बराबर हुआ इस तरीके से 11। इसी तरीके से मैं अगर 4 की बात करूं तो 2 टू जा 4, कोई रिमाइंडर नहीं बचा तो 0। फिर मेरे पास हुआ 2 वन जा 2, कोई रिमाइंडर नहीं बचा तो 0। तो इस तरीके से 4 मेरे पास इसके बराबर होगा 100 यानी कि 100। तो ये आपने कांसेप्ट याद रखना है, इसी के बेस के ऊपर आपने एडिशन को लेकर चलना है। आई होप कि यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला स्टेप हम देखते हैं अगेन 1 एंड 1 2, तो 2 बराबर है 10 के। तो अब क्योंकि अगला नंबर कोई नहीं तो हम कैरी नहीं देंगे तो यहां का हमने यहां 10 लिख दिया एंड दैट इज आवर बेस 2। तो ये हमने पहला क्वेश्चन
सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको यहां तक बात समझ में आ गई। बच्चों मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1012 मींस 1010 बेस 2 वी हैव टू ऐड विद 101 बेस 2। तो अब आप कोशिश करें, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जो जीरो में हम ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, सिंपल। 1 में जीरो ऐड किया वी गॉट 1, ठीक है सिंपल। यहां पर भी 1 में जीरो ऐड किया तो 1, एंड 1 के नीचे हमारे पास कोई प्लेस वैल्यू नहीं है, सो वी गेट 1 एंड बेस 2। सो दैट इज आवर आंसर। मूव ऑन होते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपने जब तक वीडियो को देखते रहना है जब तक आपका बाइनरी नंबर के एडिशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों हमने दो क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किए, तो नेक्स्ट हमारे पास तीन क्वेश्चन मौजूद है। बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम टोटल 12 जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, और ये आपकी क्लास 8 की मैथ्स की बुक एक्सरसाइज 3.4 से लिए गए क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं और हम इसे सॉल्व करते हैं। तो वी हैव 111 0 बेस 2 एंड वी हैव टू ऐड विद 111 1 1 1। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड देम। तो 0 में हमने 1 ऐड किया सो वी गेट 1, 1 एंड 1 जब ऐड हुए तो 2। तो बच्चों हम जानते हैं कि 2 किसके बराबर है, 10 के बराबर है, सो लिहाजा हमने 0 यहां लिखा और 1 हमने कैरी लिया 1 1 एंड 1, सो वी गेट 3। 3 किसके बराबर होता है बच्चों, बराबर होता है किसके, 11 के। तो हमने 1 यहां लिखा, 1 हमने कैरी दिया, सो 1 एंड 1 इज 2 एंड 2 इज इक्वल टू 10। सो दैट इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बच्चों आप शायद आप इस वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। जब तक आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व नहीं करेंगे तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कंडीशन में नहीं आ सकते। चले बच्चों, सो 1 एंड 1 इज 2 एंड 2 इज इक्वल टू 10। 1 कैरी चला गया, 1 एंड 1 2, 2 अगेन इज इक्वल टू 10, 1 कैरी गया, 1 में 0 0 ऐड करेंगे तो वी विल गेट 1, 1 एंड 1 2 एंड 2 इज इक्वल टू 10 एंड 3 इज इक्वल टू 11। सो दैट इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। मूव ऑन होते हैं बच्चे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आपने इस सेशन की क्वेश्चन नंबर 5 101 01 बेस 2 वी हैव टू ऐड विद 0 1 एंड 1। चलो बच्चों अब हम इसको ऐड करते हैं। तो 1 में जब हमने 0 ऐड किया तो वी विल गेट 1 1 एंड 0 इज 1, 1 एंड 1 इज 2, 2 हम बाइनरी सिस्टम में नहीं लिख सकते तो 2 बराबर होता है 10 के। हमने 1 कैरी दिया, 1 एंड 0 इज 1 एंड 1 हमारे पास नीचे कोई प्लेस वैल्यू नहीं है, दैट इज इक्वल टू 1। सो मूव ऑन होते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, वी हैव टू ऐड 111 बेस 2 विद 111 बेस 2, we are going to add them, 1 and 1 is equal to 2 and 2 is equal to basically 10, 1, 1 and 1 is 3 and 3 is equal to 11 in binary system and 1 and 1 is 2 that is equal to 10. So basically that is our answer of question number 6. Now we are going to solve question number 7. तो बच्चों अगर आप question number 7 को देखें, so ये जो question है, ये हमारे पास थोड़ा सा difficult लग रहा है, क्योंकि एक तो हमारे पास इसमें 3 एक्सप्रेशंस हैं, 3 वैल्यूज हैं और हमने इनको ऐड कर, तो अब इसको ऐड कर देंगे 2 तरीके। पहला तरीका ये है कि आप तीनों वैल्यूज को एक साथ ऐड कर दें, और एक तरीका ये है कि आप पहले 2 वैल्यूज को ऐड करें और फिर आप उसके अंदर तीसरी वैल्यू ऐड करें। हम दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो सिर्फ मैं एक मेथड से आपको सॉल्व कर रहा हूं, दूसरा मेथड आपके घर में खुद प्रैक्टिस कर लीजिए। तो सबसे पहले हम पहले मेथड को देखते हैं कि हम तीनों वैल्यूज को एक साथ ऐड कर देते हैं। तो 111 01 बेस 2 111 0 बेस 2 एंड वी हैव 1 001 1 001 बेस 2। अब हम तीनों वैल्यूज को एक साथ ऐड कर रहे हैं, तो हमने देखा 1 एंड 1 इज 2, 2 इज इक्वल टू 10 इन बाइनरी सिस्टम, 1 कैरी चला गया, 1 एंड 1 इज अगेन 2, 2 इज इक्वल टू 10 एंड 1 कैरी चला गया, 1 एंड 1 2, 2 एंड 1 3 एंड 3 इज इक्वल टू 11 इन बाइनरी सिस्टम,
तो 1 हमने यहां लिखा, 1 हमने कैरी दिया. अगेन 1 एंड 1 2 एंड 2 एंड 1 3 एंड 3 इज इक्वल टू 11 इन बाइनरी सिस्टम. तो हमने ये ऐड कर लिया. अब कुछ बच्चों को यहां पर थोड़ा सा इशू आता है कि वो तीनों वैल्यूज को एक साथ ऐड नहीं कर पाते, तो हमारे पास दूसरा मेथड भी है. हम पहले क्या करते हैं कि दो वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल हम स्टार्टिंग की दो वैल्यूज ले लेते हैं, 11 01 11 एंड 0 base 2. बेस बच्चों आपने लाजमी मेंशन करना है, जो कि शिफ्ट की निशानदेही करता है कि आप कौन से सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम बाइनरी में कर रहे हैं. सो लिहाजा यू हैव टू मेंशन द बेस 2. ठीक है, सो 1 में हमने 0 ऐड किया, वी गेट 1. 1 एंड 0 इज 1, 1 एंड 1 2, एंड 2 किसके बराबर होता है, 10 के बराबर होता है, एंड 1 एंड 1 2 दैट इज इक्वल टू 10. ठीक है बच्चों, यहां पर हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ बेसिकली, क्योंकि हमने दो वैल्यूज को ऐड. Now we are going to add our third value. So our third value that is 1 0 0 and 1. Base 2. चलो बच्चों अब इसको ऐड करते हैं. तो 1 and 1 2 and 2 is equal to 10. Carry चला गया. 2 is equal to again 10. यहाँ हमारे पास 1 आया. 1 is 1 and 1. That is base 2. So आप बच्चों यहाँ पर इस आंसर को मैच कर सकते हैं. 1 1 0 0 base 2. 1 1 0 0 base 2. So we got same answer because दोनों method ठीक है. अच्छा ये कि आप पहले इस method से शुरू करें, आसान method से, फिर आप अपनी practice को बढ़ाने के लिए, command को बढ़ाने के लिए मुश्किल method से करें. एक साथ 3 से 4 values को add करने की कोशिश करें. Move on होते हैं अपने next question की तरफ, जो कि इसके मुकाबले में मजीद मुश्किल होने वाले. तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट दो क्वेश्चंस आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं. मैं मुश्किल मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि वो मुश्किल मेथड है. आप पहले इजी मेथड से सॉल्व करिए क्वेश्चन को, उसके बाद जो डिफिकल्ट मेथड है उससे करके आप उसके मुकम्मल कमांड हासिल कर सकें. तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, 11 01 base 2, 1 001 base 2 एंड 1 1 1 and 1 base 2. So मैं तीनों वैल्यूज को एक साथ ऐड कर रहा हूं. जैसे कि मैंने आपको मेथड बताया कि आप पहले दो वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं और फिर उसके अंदर थर्ड वैल्यू ऐड कर लें. So that is also the right method to solve the question. So 1 1 and 1 is 3 and 3 is equal to 11 in binary system, and 1 and 1 2 is equal to 10 in binary system. So यहाँ 0 आया, यहाँ 1 आया. 1 and 1 2, 2 again is equal to 10, so 0 and 1 carry. 1, 1 and 1 is 3 and 3 is equal to 11. So that is our answer of question number 8. Now moving towards question number 9. So we have question number 9, 11 0 11, we have to add with 1 0 1 0 1 and 1. This 2 is 110 base 2. So we are going to add them. अब हम इनको add करेंगे, इनको जमा करेंगे. So 1 and 1 2, 2 में हमने 0 add किया तो 2 रहेगा, 2 बराबर होता है 10 के, लिहाजा 0 हमने put किया, 1 carry दे दिया. 1 and 1 2, 2 and 1 is 3, 3 is equal to 11, तो हमने 1 carry दिया. Again हमारे पास 2 और 1 3, 3 बराबर होता है 11 के, तो हमने 1 carry दिया. 2 is equal to 10. So, हमने 1 कैरी दिया. 1 and 1 2, 2 and 1 is 3, 3 is equal to 11. 1 and 1 2 and 2 is equal to 10 in binary system. So that is our answer of question number 9. I hope बच्चों आपको आसान से हल्के हल्के में मुश्किल की तरफ लेकर जा रहा हूं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बाइनरी नंबर की एडिशन के हवाले से मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाए. इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपने आखिरी के मजीद जो 3 क्वेश्चन रह गए उनको. तो बच्चों मूव ऑन होते हैं अपने आखिरी 3 क्वेश्चंस की तरफ. आई होप कि इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद बाइनरी नंबर की एडिशन से मुताल्लिक आपका कांसेप्ट मुकम्मल तौर पर जो है वो क्लियर हो जाए. सो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. वी हैव 1 1 1 base 2 1 0 1 0 1 base 2 and we got 1 1 base 2. So we are going to add them. 1 and 1 is 2 and 2 is equal to 10. Now, अब यहाँ पर बच्चों जरा ये हमारे पास एक नया स्टेप आया. इस स्टेप को आपने लाजमी समझना है कि अब यहाँ पर देखें. So 1 and 1 2, 2
2 and 1 3 and 3 and 1 is 4. 4 के बारे में मैंने आपको बताया कि 4 बेसिकली बराबर होता है किसके 100 के। अब यहाँ पर जब दो डिजिट होते हैं तब तो हमें कैरी देना बहुत अच्छी तरीके से आता है कि हम पहला नंबर कैरी दे देते हैं, दूसरा नंबर हम लिख देते हैं, आप मैथमेटिक्स में भी हम ऐसे ही करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर, अब आपने वो कैसे कैरी देना है इस चीज को समझना जरूरी है। अब इसके अंदर जो आपके 2 स्टार्टिंग के नंबर हैं इनको आपने बारी बारी कैरी देना है। कैसे? आपने पहले तो ये तीसरा वाला 0 यहाँ लिख, अब पीछे बचा 10, तो 10 के अंदर जो 0 पहला 0 है वो आपने यहाँ कैरी किया और जो 1 है ये हमारे पास अगले नंबर पर कैरी है। तो ये बहुत एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए जब आप बाइनरी नंबर की एडिशन करें। वो 1 होते हैं आगे, सो 0 एंड 1 इज 1 एंड 1 एंड 1 2, 2 इज इक्वल टू 10। तो हमने यहां लिखा 0, अब इसी के ऊपर 1 कैरी आया, 1 एंड 1 2, 2 एंड 1 3 एंड 3 एंड 1 4, अगेन 4 आया। अब 4 के अंदर आते क्या कर रहे हैं कि 0 यहां लिखा, 0 इस पे कैरी किया, अब आगे कोई नंबर नहीं है तो आपने आगे मान ली। इस तरीके से कैरी आपने दोनों एक ही नंबर के ऊपर नहीं देनी। अब हम इनको ऐड करते हैं, 1 एंड 0 इज 1, अब इस नंबर के नीचे कोई नहीं है सो वी गेट 1 बेस। तो बच्चों दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके अंदर हमारे पास बेसिकली 4 आया और हमने उसको ब्रेक करना सीखा, वो बोल होते हैं अगले क्वेश्चन। बच्चों आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो समझ में आ गया और आप क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो वी हैव 1010 बेस 2 डबल 1 एंड डबल 1 1 बेस 2 ट्रिपल 1 100 तो आपने 0 यहां लिखा, ठीक है, 0 आपने इस पे कैरी किया और अगला 1 आपने अलग से कैरी किया। तो 1 एंड 0 इज 1 एंड 1 इज 1, सो दैट इज आवर आंसर। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट। डबल 1 एंड डबल 1 इज 2, ट्रिपल 1 0 1 1 0 1 1 एंड 1 is 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, and 5 is 2. चलिए 1 and 1 2 को 2 and 1 3 and 3 is equal to 11, 2 and 1 3, 3 is equal to again 11 in binary system, 2, 3 and 4, 4 is equal to 100, 0 यहां लिखा, 0 यहां कैरी किया और 1 अगले नंबर पे कैरी किया, 1, 2 and 3, 3 is equal to 11, 1, 2, 3, 4, अब आगे क्योंकि कोई नंबर नहीं है तो आपको कैरी देने की जरूरत नहीं है बल्कि आपने 001 डायरेक्ट 100 लिख दिया। दैट इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर, कि बाइनरी नंबर्स को किस तरीके से ऐड करना होता है। तो बच्चों मैंने आपको बहुत आसान से बहुत मुश्किल क्वेश्चन तक तमाम क्वेश्चन सॉल्व करवाए और हर एक क्वेश्चन को डिटेल से मैंने डिस्क्राइब किया। आई होप कि आपके जहन में जो भी कॉन्सेप्ट का मिस्टेक थी या कॉन्सेप्चुअल आपको इशू आ रहा था एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम का वो क्लियर हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें कि आपके लिए ये वीडियो कैसी रही। आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में ऐसे बच्चे हैं जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम को सीखना चाहते हैं या उनके जहन में कोई कॉन्सेप्ट का मिस्टेक है या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उनके साथ भी लाजमी इस वीडियो को शेयर करें। और कोई ऐसा टॉपिक जो कि आप समझते हैं कि आपको नहीं समझ आ रहा तो वो लाजमी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपकी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी चल रहा है, हमें उस नंबर पर भी आप मैसेज करके टॉपिक को बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे और इंशाल्लाह आप तक पहुँचाएंगे। गुड लक, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।